हेलो बच्चों, देखो अपन सी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और सी सेक्शन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पीसीज के अंदर स्केल्स। पीसीज के अंदर स्केल्स पढ़ेंगे और ये स्केल्स होते हैं, जो पीसीज के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर होती हैं। देखो स्केल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स और एविज में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो एविज और रेप्टाइल्स के जो स्केल्स होते हैं ना वो एपिडर्मल स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मछलियों के अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो मेसोडर्मल स्ट्रक्चर होती हैं, और जो मछलियों में बाह्य कंकाल के रूप में भी रक्षात्मक आवरण के रूप में भी ये स्केल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, अधिकतर कशेरुकियों में बाह्य कंकाल एपिडर्मिस या डर्मिश होता है, मछलियों में यह डर्मल स्केल्स के रूप में होता है। व्यवस्था आकार संख्या और संरचना से मछली प्रजाति की पहचान व वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो मछलियों में जो स्केल्स होते हैं वो पांच टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कॉस्मोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, गेनोइड स्केल्स को रम्बोइड स्केल्स भी बोलते हैं। फिर है फोर्थ है साइक्लोइड स्केल्स और टीनोइड स्केल्स। देखो ये पांच प्रकार के स्केल्स होते हैं। अपन देखेंगे सबसे पहले कॉस्मोइड स्केल्स के बारे में। ये जो कॉस्मोइड स्केल्स हैं ये प्लेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म, गार, बिचिर और रीड एंड कुछ लंग फिशेज में भी पाए जाते हैं। ये प्लेकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म मछलियाँ आधुनिक मछलियों में भी रियली पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, न के बराबर पाए जाते हैं। पहले जो विलुप्त हो चुकी मछलियाँ हैं उनमें पाए जाते थे, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करते हैं और ये इनका क्या है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। इन स्केल्स में चार परतें होती हैं, संघन अस्थिल, स्पंजी अस्थिल, डेंटाइन एंड एनामेल। एनामेल के समान गेनोइन, मोटी डेंटाइन के समान कॉस्मोइन पाई जाती थी, ठीक है। हाँ तो ये देखो इसका एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉस्मोइड स्केल्स दे रखा है, और ये जो ये फिशेज होती हैं, पहले जो फिशेज होती थी उनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर इस तरीके से ये अरेंज होते हैं कॉस्मोइड स्केल्स। फिर ये देखो जो क्वीनलैंड फिश है उसके अंदर स्केल्स दे रखा है कॉस्मोइड स्केल्स, ऐसे अरेंज होते हैं। अब देखो दूसरा अपना है प्लेकोइड स्केल्स। ये जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ये स्लेमोब्रेंकी या उपास्थिल मछलियों में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्लेकोइड स्केल्स के ऊपर की ओर निर्दिष्ट तीन स्पाइंस होते हैं, इसकी जो आधारीय प्लेट से उत्पन्न होते हैं। आधारीय प्लेट डर्मिस में धसी रहती है जिसमें से विभिन्न दिशाओं में डेंटाइन निकले रहते हैं। संरचना में ये स्केल्स होते हैं संरचना में दांत से मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनके स्पाइंस पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे विट्रोडेंटाइन कहते हैं। आधारीय प्लेट के मध्य में एक पल्प कैविटी पाई जाती है, इसमें एक छिद्र होता है जिसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होता है। ये स्केल्स पास रहते हैं परंतु ओवरलैप नहीं करते। इनसे त्वचा सैंड पेपर की तरह खुरदरी महसूस होती है, जैसे कुत्ता मछली एंड सांप मछली। जैसे अपन जो इन कुत्ता मछली या सार्क जो मछली होती हैं इनके आगे से पीछे की तरफ अगर हाथ लगाएंगे, हाथ ऊपर से करेंगे तो क्या होगा, ये चिकनी लगेंगे, लेकिन पीछे से आगे की तरफ अगर हाथ को लेके जाएं तो क्या, खुरदरी लगेंगे, ठीक है, सैंड पेपर की तरह। अब ये देखो इसका स्केल्स है, इसमें तीन ये स्पाइंस होते हैं, इसके दो लेटरल स्पाइंस होते हैं और एक क्या होता है मीडियन स्पाइंस होता है, और बीच में ये क्या है बेसल प्लेट है, और बीच में इसके ये पल्प कैविटी है, ठीक है। और ये प्लेकोइड स्केल्स है, प्लेकोइड स्केल्स का ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड वाला, गेनोइड या रम्बोइड स्केल्स। गेनोइड या रम्बोइड स्केल्स मोटे चतुर्भुजाकार या डायमंड के आकार के होते हैं। ये टाइल्स की साइड बाय साइड फिट रहते हैं, टाइल्स की तरह साइड बाय साइड फिट रहते हैं, जैसे ज़मीन पे टाइल्स लगी होती है ना वैसे अरेंजमेंट होते हैं इनका। ये मछलियों के अस्थि में कवच के जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं, मछलियों को अस्थि में कवच के समान सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कोंड्रोस्टीन फिश और होलोस्टीन फिश, गारफिश, लेपिडोस्टियस फिश में पाए जाते हैं, ठीक है। ये गेनोइन, कॉस्मोइन एंड आइसोपेडाइन से मिलकर बने होते हैं। तो ये देखो इसमें डायग्राम दे रखा है गेनोइड स्केल्स का। ये देखो जमीन पे जैसे टाइल सटी हुई होती है ना एक दूसरे से, वैसे स्केल्स सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये टाइल्स की तरह एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, ठीक है। देखो
उसके बाद है ये फोर्थ नंबर का है साइक्लोडी स्केल्स। साइक्लोडी स्केल्स पतले पारभासी पट्टिका के रूप में होते हैं, केंद्र में मोटे और इसके चारों सेकेंद्रीय वले पाई जाती है, और इन सेकेंद्रीय वलों की संख्या से इनकी उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, इन संकेंद्रीय वलों की संख्या काउंट करके और इनकी जो उम्र होती है ना, इनकी एज, उनको निर्धारित कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये ऊपरी पतली हड्डी की परत और निचली रेशेदार संयोजी ऊतक से मिलकर बने होते हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। प्रत्येक स्केल्स डर्मिस से बने छोटे पॉकेट में धसे रहते हैं, जैसे लंगफिश, होलिस्टियन व कुछ कॉर्प में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो साइक्लोइड स्केल्स होते हैं इनके ऊपर सेकेंडरी वले पाए जाते हैं, उनके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि इस मछली की ये मछली कितनी एज की है। हाँ तो देखो ये है साइक्लोइड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल्स में ये देखो बीच में इसमें न्यूक्लियस है और साइड में इसके लाइनिंग ऑफ ग्रोथ हैं, और ये क्या है बीच साइड में इसके ग्रू हैं। ठीक है, ये जो इसकी लाइनिंग है सेकेंडरी वले इसके अंदर पाई जाती है, इनके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि ये इस मछली की इतनी एज है। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट है अपना जो फिफ्थ नंबर का है टीनोइड स्केल्स। टीनोइड स्केल्स होते हैं ये आधुनिक टीलियोस्ट जैसे पर्च सूर्य मछली होते हैं, इनमें टीनोइड स्केल्स पाए जाना इनका लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, आकाश रंजन और व्यवस्था में साइक्लोइड स्केल से मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है इनकी जो उत्पत्ति होती है वो साइक्लोइड स्केल से ही होती है। ये अधिक दृढ़ता से संलग्न रहते हैं, इनका जो बाहर निकला अंतिम मुक्त भाग ओवरलैप नहीं करता। इन पर अनेकों छोटे कंघी के दांतों के समान कांटे पाए जाते हैं, ये जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। सालमन ट्राउट व बांस में इनमें पाई जाने वाली सेकेंडरी वलों की संख्या से इनमें उम्र निर्धारण की जा सकती है साइक्लोइड स्केल की तरह। ठीक है, टोरपीडो व ईल मछलियों में ये डर्मिस में धसे रहते हैं, काइमीरा में ये स्थानीकृत हो जाते हैं। अब देखो इसके डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये फोकस है इसके अंदर, इसके नीचे क्या है ये स्पाइंस लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं, और इसके अंदर सर्किल आकार की है। इन सर्किल को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो मछली है इसके अंदर अलग अलग रेडियस के सर्किल जैसे ग्रू बने होते हैं। थैंक्स फॉर